चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ नई रेसिपी, बनाऊंगी आलू से की रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 आलू को लिया है। ये कच्चा आलू है, यानी आलूओं को छील के पानी में डाल देना है। अगर पानी में आलू को नहीं डालेंगे तो आलू हमारा जो है काला पड़ सकता है, इसलिए जब भी आप आलू को छीलें तुरंत पानी में डालते जाएँ और छीलते जाएँ। इस तरह से हमने 2 बड़े प्याज लिए, इनको हमने पेस्ट बना के रख लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, इनका भी पेस्ट बना लिया है। और ये लिया है मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ। इनको इस तरह से ये ग्रेटर लेंगे, इस इधर की साइड से ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, तो हम छोटे साइड की तरफ से आलू को कद्दूकस करेंगे, ताकि जैसे देखिए इस तरह से आलू को लेंगे, इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक कर लेना, इसी तरह से मैं सारे कर लेती हूँ। देखिए सारे आलू हमने कद्दूकस कर लिए इस तरह से। अब फटाफट से हमें इसमें देर नहीं करने, वरना हमारा आलू जो है काला पड़ सकता है, ये लाल हो जाएगा, इसलिए हमें फटाफट ये काम करना है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में इन आलुओं को पलट लेंगे। एक थाली ले लिए, इसमें हम आलू को पलट लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक लेंगे, डाल देंगे, हमारा सेंधा नमक है, मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाल लाल सा है ये पिंक कलर का। इस तरह से हम सारे आलू में पहले नमक को मिक्स कर लेंगे। दबा के जो हमारा आलू, नमक डालने से क्या होता है, जो हमारा आलू का पानी है जो एक्स्ट्रा, वो सारा निकल जाएगा बाहर। देखिए कितना पानी निकल रहा है, इस तरह से हमें सारा पानी निकाल देना है दबा दबा के। इसमें पानी बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है, और नमक भी हमारा सारा पानी के साथ चला जाएगा। इस तरह से दबा दबा के सारा निकाल देंगे। निकाल दिया, कितना पानी निकला इसमें ये देखिए। हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच अरारोट, आप अरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये 3 चम्मच मैं डाल दूंगी इस तरह से। अब हम इन्हें आपस में सब में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इनके हमें एक छोटे छोटे बॉल से बना लेने हैं। देखिए इस तरह से लेंगे छोटे छोटे बॉल, इस तरह से आप अपने साइज के हिसाब से देख लें, छोटे जितना बड़ा छोटा साइज रखना हो आप उस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत आराम से ये बॉल्स बन जाते हैं ये देखिए, क्योंकि पानी हमने इसका सारा निकाल दिया। मेरे वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सब्जी ये समझ में आएगी, वरना आप स्किप कर दोगे तो आपका कोई पार्ट मिस हो जाएगा, तो आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप कहोगे हमारी सब्जी तो अच्छी नहीं बनी। चलिए इस तरह से हम सारे बॉल्स बना के रख लेते हैं। इस तरह से देखिए, 6 बॉल हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 4 आलू में हमारे 6 बॉल्स बन के कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया गैस के ऊपर, कढ़ाई को चढ़ा देना है। इसके बाद एक बार हमने पहले से रख दिया था तेल, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इस तरह से आप लोग चेक कर लें, तेल हमारा जब भी अच्छे से गर्म होता है हो जाए, ये सरसों का तेल में अच्छे से धुआं निकल जाए, तभी आप इस्तेमाल करें, वरना इसमें कच्चेपन की महक आती है और सब्जी का टेस्ट जो है हमारे ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा अब एक एक बॉल्स को हम इसमें डाल के तल लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे पहले, फिर लो पे करेंगे। इस तरह से डाल देंगे, आज बन रही है सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट आप गए होगे, कभी होटल में गए होगे, आपने ये सब्जी जरूर खाई होगी। बाकी बॉल्स हमारे टूटने का डर नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अरारोट मिला रखा है, तो इसलिए ना हमारे फटेंगे और ना ये टूटेंगे। इस तरह से आराम से कोई टेंशन के बिना इनको आप तल सकते हैं।
इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इन्हें हिलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम थोड़ा मीडियम लो पे कर देंगे। जब ये ब्राउन बिल्कुल हो जाएंगे तब हम इन्हें निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे फ्राई हो रहे हैं, कोई नहीं फटा है ना कोई, ये देखिए अलग अलग कुछ भी नहीं हुआ, ये देखिए आराम से तले जा रहे हैं। ये जब भी आप ये बॉल्स को डालें तलने के लिए तो आप तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना, ताकि ये जो अच्छे से हमारी ये इसमें डूब हो जाए। अगर ये बर्नर कम तेल होगा तो ये नीचे चिपक के ये फट भी सकते हैं, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। देखिए बॉल्स हमारे ब्राउन से हो चुके हैं, अभी हम इन्हें थोड़ा सा ऑफ ब्राउन से करेंगे। देखना इस तरह से इनको फ्राई करने में करीब करीब हमें लग गए 10 मिनट। बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके, अब हम निकाल लेंगे इनको एक एक करके, इस तरह से निकालते जाएंगे। ये कढ़ाई से हमने तेल को निकाल लिया, अब हम तड़के के लिए डालेंगे एक तेज पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को हमेशा तोड़ के डालें, नहीं तो मरना चटक के ऊपर आ सकती है, इसलिए हम तोड़ के डाल रहे हैं। लाल मिर्च को एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अब हम डालेंगे प्याज को, जो प्याज हमने पीस के रखी थी इसे डाल देते हैं। इस तरह से प्याज को डाल देना है। देखिए प्याज हमारी आधी भून चुकी है, अब हम इसी समय डालेंगे बीच में फोल करके ये डालेंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है, ब्राउन भी हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले को डाल देना है आधा चम्मच, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, फुल टी स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये बड़ा चम्मच है ये फुल टी स्पून के बराबर है। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, पानी डालेंगे जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इसी समय हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसका जो टमाटर का कच्चापन है अच्छी तरह से निकल जाए, नहीं तो सब्जी का टेस्ट हमारी ख़राब हो सकता है। अब इसी समय हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इस लाल मिर्च मुझे नहीं डालनी है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाल रखी है, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है। ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर जो है अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए इस तरह से डालते साथ ही कलर की इसका कितना अच्छा हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। थोड़ी सी डालेंगे कस्तूरी मेथी, हाथ से क्रश करके डालें, जिससे इसका फ्लेवर जो है उभर के आता है इस तरह से। देखिए मिक्स करेंगे, मसालों को थोड़ा ढक के पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे मसाले पक जाएं। चलिए खोल के देखते हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से देखिए पक चुका है। देखिए 1 मिनट इसे खुला भूनेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। देखिए मसाला हमारा भून चुका, अब हम इसमें डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए। आप जिस तरह से ग्रेवी आपको पसंद है, ज़्यादा या कम, गाढ़ी या पतली, जितनी भी जैसे भी खानी है। आप चावल के साथ खाएंगे तो थोड़ा पतला ज़्यादा पानी डाल लें, अगर रोटी के साथ खाएंगे तो आप पानी को मात्रा थोड़ी कम रखें। सब्जी में नमक डालना रह गया था, नमक मैं अब डाल रही हूँ इस तरह से। नमक पहले मैं आलू में भी डाल चुकी हूँ, इसलिए नमक मैं
थोड़ा अपना डालूंगी टेस्ट के हिसाब से, मिक्स कर देंगे। नमक के बिना तो सब्जी हमारी बिल्कुल बेकार है, इसमें रंगत ही नहीं आती। जब तक नमक ना डले सब्जी में, जब तक सब्जी खुद ही बता देती कि इसमें कोई चीज़ की कमी रह गई है। इसलिए ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें बॉल्स। आप जब भी सर्व करें आप तो बॉल्स को तभी डालें 5 या 10 मिनट पहले, पहले से डाल के ना रखें बॉल्स को, नहीं तो वरना घुल सकती है इसमें। जब भी आप सर्व करें तभी बॉल्स को डालें। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बॉल्स को डाल रही हूँ इस तरह से। गैस को करेंगे हम बंद। अब डालेंगे हम बॉल्स को, एक एक बॉल्स को इस तरह से डाल देंगे। ये धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने से इसमें कितना सुंदर कलर और रंगत आ जाती है इस तरह से। देखिए कैसी लगी आप लोगों को हमारी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।